Hey guys, welcome back to our channel. It's us, Beast Ram Raman. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि how to train your glutes as well mine. And so हम आज अपने glutes को train करेंगे and ये आवाज बंद कर दीजिए पापा. पापा कुछ काम कर रहे हैं. तो glutes को किस way में करना है और कैसे करना चाहिए और कितना हमें deep जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए. Elbows कहाँ रखनी चाहिए. नीज कितना बेंड करना चाहिए, किस वे में करना है, उस सारे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा. ग्लूट्स की एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, मैंने हमें बहुत सारे फायदे होते हैं ये, मतलब चलो वीडियो में समझाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या फायदे होते हैं. कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हम, ग्लूट्स की क्या कहते हैं गाइस इसको, हिप थ्रस्ट. सो आज की वीडियो में हम हिप थ्रस्ट करेंगे, इसे हिप थ्रस्ट कहते हैं. ओके, लेट्स गो टू द जिम. सो हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको मॉडरेट वेट यूज़ करना है. पहले स्टार्टिंग में हम हल्का ही वेट यूज़ करेंगे, उसके बाद से जब हमारा वार्म अप हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद से हम वेट बढ़ाएंगे. सो दो तरह के बार होते हैं, एमरॉड भी कहते हैं जिसे जिगजैग भी कहते हैं. ये स्ट्रेट बार है ये. सो मैंने स्ट्रेट बार यूज़ किया है एंड मैंने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैंने अपने विदाउट किसी के हेल्प के मैंने बार अपने ऊपर रख लिया एंड मैंने इस तरीके से अपने आप को सेट किया. सो अगर आप हैवी करते हो तो किसी की हेल्प लेना जरूरी है इसमें. बार वो कोई और दूसरा अदर पर्सन आपके हिप पर रखेगा, उसके बाद से ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे. ओके, खुद ना उठाएं, हैवी हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें क्योंकि डिसबैलेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ. अपने दोनों नीज को बराबर रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. जब भी ऊपर जाओ तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ऊपर जाते हुए स्क्वीज और नीचे स्ट्रेच करना है. हमने पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन करेंगे, हम ऊपर जाके स्क्वीज और नीचे स्ट्रेच. अपने एल्बोज को आप कोशिश करें बेंच के ऊपर ही रहे और जब भी नीचे जाओ तो बैलेंस बनाकर नीचे जाओ. और माइंड में हमेशा ये रखो कि गिरे हो ना और डिसबैलेंस ना हो आप, सो दैट कि अच्छे से आप अपना ये मसल ट्रेन कर सको. इस एक्सरसाइज को करने से फायदे ये होते हैं कि आपका जो बट है वो राउंड शेप में होने लगता है एंड आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है. आपका हिप है जो मजबूत हो जाता है एंड आपके जो थाइज हैं वो मजबूत होने लगते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है आपके कमर में. जिसको भी कमर में दर्द होता है वो ये एक्सरसाइज करेगा अगर, तो उसकी वो कमर का पेन है जो भी वो दूर हो जाएगा. सो इसके 3 से 4 सेट करेंगे हम.